आज बहुत से नौजवानों और हमारी बहुत सी माताओं का आग्रह था कि नशा उन्मूलन पर कुछ बोला जाए। आखिर लोग नशा करते क्यों हैं? पहले तो हम ये समझते हैं कि लोग नशे का सहारा लेते क्यों हैं और उसके बाद उसके उपाय। फिर बहुत से ने पूछा, क्या नशा से किसी को बचाने के लिए या अपने को बचने के लिए भी क्या कोई नाम उपचार हमारे शास्त्रों में कोई विधान है? अवश्य है। पहले ये जान लेते कि आखिर नशा करते क्यों हैं और नशा कितने प्रकार का है। देखिए, जब कोई व्यक्ति का विवेक लोप हो जाए, विवेक शून्य हो जाए और उसकी धारणा शक्ति नष्ट हो जाए, उसे ये पता ना रहे मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और आनंद प्राप्ति के लिए अज्ञान की स्थिति में जिन भौतिक साधनों का वो सहारा लेता है, उन तमाम साधनों को हम नशा कहते हैं। अब प्रश्न है कि ऐसे कितने साधन हैं? तो नशा, देखिए, साधारण तो हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के नशा का वर्णन है, जिनमें सबसे प्रथम नशा का कलयुग का स्थान भी उसी में है और वो है मदिरा, मद को बढ़ाए। अब इसमें आप सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा सब इसी कैटेगरी में डाल दीजिए। वो सोचता है कि आखिर मदिरा पीता क्यों है? वो इसलिए पीता है लोभ से, उसको लगता है कि इसको पीने से मुझे आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आनंद में अभ्यासत, हर व्यक्ति परमात्मा का अंश होने के कारण हम सब आनंद अभिलाषी हैं, हम तो सच्चिदानंद के अंश हैं ना। तो जिसके कारण हर व्यक्ति चींटी से लेकर गज तक और धूल से लेकर फूल तक, संसार इस चरचर जगत में जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ भी है, सब कोई आनंद के लिए जी रहा है, ये कन्फर्म मान के चलिए। तो आनंद मिलेगा, उसको लगता है कि थोड़ा सा दो घूंट पी लेंगे और घंटा डेढ़ घंटा दो चार घंटे में हम खो जाएंगे, आनंद मिलेगा। ये केवल उसका अज्ञान है और उसका लोभ है। क्षणिक जो आनंद आता है उसको लगता है कि यही उसका आनंद है, और ये केवल आनंद के, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये शराब का नशा तो डेढ़ दो घंटे में वैसे ही नाली में गिरता है, अथवा दो चार पुलिस के डंडे कोई खाता है तो अपने आप उतर जाता है, और ना भी खाए तो भी उतर जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे भी बड़े तीन नशा और हैं, और जो दूसरा नशा है वो है वासना का नशा। शराब का नशा तो केवल तन को नष्ट करता है, लीवर को खराब करता है, लेकिन ये वासना का नशा ये तन और मन दोनों पर अटैक करता है। और वासना का सर्वोत्तम उदाहरण है ये नशा रावण को था, और आश्चर्य की बात है उसके सामने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, लेकिन वासना से उसकी आंखें ऐसी अंधी हो गई कि रावण का उपचार हुआ ही नहीं, अंततोगत्वा मरना ही पड़ा उसे। तो वासना का नशा इतना खतरनाक नशा है जो तन के साथ साथ मन को भी और फिर जीवन को नष्ट कर देता है, और अपने आने वाली जो उसकी राक्षस पीढ़ी थी उन सबको भी नष्ट कर दिया, केवल वासना का नशा, इतना खतरनाक नशा है। और तीसरा नशा वो है संपत्ति का नशा, ये भी खतरनाक है। मुझे लगता है कि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर मुकदमा आपको कहीं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे तो इसी से संबंधित। और ये वो नशा है जो सगा बाप अथवा सगा पुत्र अपने पिता को कटघरे में खड़ा करता है, भाई भाई को कटघरे में खड़ा करता है, यानी मित्र मित्र को कटघरे खड़ा करता है, क्योंकि संपत्ति का जो लोभ है, संपत्ति का जो नशा है ना, संपत्ति को है तो अहंकार का नशा, नहीं है तो पाने का नशा, है ना। तो ये नशा, और इसका उदाहरण है दुर्योधन। महाभारत में दुर्योधन को संपत्ति का नशा, पद पाने का नशा, और यहां भी आश्चर्य है उसके सामने भगवान साक्षात योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण थे, पर भगवान श्री कृष्ण भी उसका उपचार नहीं कर सके, अंततः तो उसे भी मरना पड़ा। अर्थात संपत्ति का नशा और वासना का नशा ये इतने खतरनाक नशा है कि इसके आगे शराब का नशा कुछ नहीं है, तुच्छ है। ये तीसरा नशा है, और इन सबसे परे है चौथा नशा जो हम लोग करते हैं, वो है भक्ति का नशा, भगवान के नाम का नशा, सत्संग का नशा, संतों का संग करने का नशा, है ना, हरि नाम जपने का नशा, भगवान नाम का आश्रय लेने का नशा है, ध्यान का नशा। तो ये नशा, ये सर्वोत्तम नशा है। तभी तो किसी ने कहा कि जो ये छोटे छोटे नशाओं से ऊब जाते हैं, अथवा जिन जो लोग अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं, तो किसी शायर ने कहा कि भाई खुदकुशी क्यों करते हो, नशा कर लो। बोले कौन सा नशा करें? बोले नशा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, नशा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, मगर शराब ही नहीं होती बेखुदी के लिए। अपने आप को भुलाने के लिए ज़रूरी है कि शराब पियो,
नशा जरूरी है जिंदगी के लिए, मगर शराब ही नहीं होती बेखुदी के लिए। तो क्या करें? बोले कन्हैया की मस्त निगाहों में डूब के तो देख एक बार प्यारे। कन्हैया की, हमारे माँ के व्यारी की, हमारे राधा रावल भगवान की, हमारे राधा वल्लभ जी की मस्त निगाहों में एक बार डूब के तो देख। बड़ी हसीन समुद्र है खुदकुशी के लिए। अगर खुदकुशी करनी है ना तो हमारे लाला के आंखों में एक बार झांक के देख ले, फिर देख। अरे भगवान तो कपिल देवूति संवाद में तीसरे स्कंद में कह रहे हैं भगवान कपिल देव कि मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कामदेव के चंगुल से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ही भगवान का आहा दिव्य जो उनकी जो भूमंडल है, भगवान का जो दिव्य चेहरा, भगवान का दिव्य मुखाकृति, भगवान का दिव्य स्वरूप, उस रूप को यदि कोई कामदेव देख ले तो कामदेव भी उस पर लट्टू हो जाए, ताकि वो कामदेव हमारे ऋषि मुनियों पर आक्रमण न करे। इसीलिए हाँ भगवान ने जानबूझकर अपना दिव्य स्वरूप बनाया। तो उस रूप का ध्यान यदि कोई कर ले, आहा जिस रूप में कामदेव डूब जाए और हमारे ऋषि मुनियों पर आक्रमण न करे ताकि वो तपस्या कर सके। तो नशा करनी हो तो ऐसे रूप ध्यान का नशा करो ना। देखिए आनंद आदमी क्यों चाहता है, आखिर वो नशा भी निज सुख के लिए तो करता है। उत्तरकांड में कहते हैं कि निज सुख बिनु मन होई कि थीरा परस की होई बिहिन समीरा, कबनियु सिद्धि कि बिनु विश्वासा और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा। अरे जब तक अपना निज सुख, जब तक आत्मानंद का सुख, जब तक ब्रह्मानंद का सुख, जब अपने भीतर नारायण के प्राप्ति का सुख, भक्ति का सुख जब तक ना हो, तब तक मन स्थिर क्यों रहेगा। और परस की हो बिहीन समीरा, अरे बिना बिहीन, बिहीन समीरा माने पवन के बिना स्पर्श सुख मिलता है क्या? यानी वायु की यदि बाहर और भीतर दोनों जगह अगर वायु की उपस्थिति ना हो तो स्पर्श सुख मिलेगा? ठीक उसी प्रकार जब तक आत्मानंद ना होगा तब तक वो बाहर ढूंढेगा, नशा बाहर ढूंढेगा। आज हत्या, लूट, बलात्कार, ये सब नशा का दुष्परिणाम है। नौजवान भटके जा रहे हैं, आजकल तो कॉलेजों में पहुंच गया है, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। छोटे छोटे जो जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के बच्चे नशा करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं मिला, उन्हें संतों का संग नहीं मिला। माता पिता उन्हें सत्संग में लेके जाते ही नहीं। बच्चों को भी संतों का संग करना, साधुओं का संग करना अनिवार्य है। उन्हें भगवत गीता का आश्रय, रामचरित मानस का आश्रय, भागवत की सुंदर सुंदर कथाएं और नैतिक शिक्षा आजकल तो लोप हो गया, ये सब परम आवश्यक है। इसलिए नशा करें तो भक्ति का नशा करें। अब प्रश्न उठता है यदि कोई शराबी शराब पी रहा है, बीड़ी फूंक रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, नशा कर रहा है और ब्राउन शुगर ले रहा है, स्मैक ले रहा है, दुनिया भर के न जाने कौन कौन से नशा करते हैं लोग, तो फिर वो पहले से ले रहा है तो वो फिर सत्संग करेगा ही क्यों? जी हाँ, तो बहुत सी भारत की माताओं ने पूछा हमारा पति शराबी है, उसकी शराब की नशा दूर करने के लिए हम क्या करें, क्या शास्त्र में ऐसा है जो हम भी कुछ करें? क्यों नहीं है? श्रीमद् भागवत में छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक व्रत बताते, पुंसवन व्रत। उस व्रत को बताते समय भगवान ये आदेश दे रहे हैं कि यदि कभी पति कोई व्रत करने में असमर्थ हो अथवा पत्नी करने में असमर्थ हो तो एक दूसरे के निमित्त उनका किया हुआ व्रत मान्य होगा। स्पष्ट श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि पत्न्याम कुर्याद अनर्हायाम पति रेतत समाहित। यदि पत्नी करेगी तो पति को प्राप्त होगा निश्चित रूप से, पति करेगा तो पत्नी को मिलेगा है। इसलिए लगा पत्न्याम कुर्याद, पत्नी भी कर सकती है, क्यों नहीं। भगवान नाम का है, गोपाल सहस्त्र नाम में एक बहुत ही सुंदर नाम है भगवान का, गोपथ। गो माने इंद्रियां और पथ माने रास्ता, ये गोपाल सहस्त्र नाम में दिया है, भगवान शंकर ने इसका प्रतिपादन किया। तो गो माने इंद्रियां और पथ माने रास्ता। तो जो मेरे पति की इंद्रियों को सही रास्ते पर ले जाए प्रभु, इसलिए ओम गोपथाय नमः, गोपथाय नमः, गोपथाय नमः, गोपथाय नमः, गोपथाय नमः, आप इस नाम का आश्रय लीजिए
और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, नाम जपें तो उसमें निरंतरता, हनुमान चालीसा में जैसे कहा जपत निरंतर हनुमत बिरा, निरंतरता होनी चाहिए। और कितनी देर करें, 3 घंटा 35 मिनट कम से कम, अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं, आनंद है, पर 3 घंटा 35 मिनट अगर यदि कोई जप करे तो निश्चित रूप से मान के चले, क्योंकि भागवत की वाणी है, अमोघ है, मोर दरस अमोघ जगमाई, भगवान कह रहे अमोघ है ये। अविस्मृति ही कृष्ण पदार विंदयो क्षणोत्य भद्राणी समम तनोति ही। अच्छा, ऐसा स्पष्ट है, बारे में स्कंद में लिखा है अंत में भगवान ने कि कोई अविस्मृति ही कृष्ण पदार विंदयो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सतत स्मरण, अविस्मृति ही अर्थात विस्मृति न करे एक क्षण के लिए भी, और निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करे। देखिए, सबसे सरल उपाय तो यह है कि शराबी स्वयं यदि धारणा कर ले कि मुझे पीना ही नहीं है, जब तक वो स्वयं धारणा नहीं करेगा, अष्टांग योग में एक छठवां नंबर का योग है, वो है धारणा। अर्थात धारणा किसे कहते हैं, धारणा कहते हैं अपने मन को किसी विषय पर, किसी वस्तु पर अथवा किसी विचार पर टिका देना, फिक्स कर देना, उसको धारणा कहते हैं। तो यदि आप अपने मन को उस मदिरा से विवेक शक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा है, यदि विवेक द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने मन को शराब से उठाकर सत्संग में भगवान के कृष्ण के चरणों में लगा दें और 2-4 दिन आप ध्यान शुरू कर दें, 2-4 दिन आधा घंटा भी बैठकर भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करें, और फिर देखिए जब एक बार लगन लग जाए, भगवान के चरणों का भक्ति का नशा ऐसा है कि वो किसी भी परिस्थिति में कभी उतरता नहीं। अच्छा देखो, मदिरा का नशा उतर जाएगा, वासना का नशा उतर जाएगा, संपत्ति का नशा भी उतर जाता है। अब किसी को संपत्ति का नशा है मान लीजिए, और अचानक उसे कैंसर हो जाए और बिस्तर पर पड़ जाए, अब उससे पूछो भैया संपत्ति चाहिए, अरे बोले भैया कोई मुझे ठीक कर दे, देखा हार्ट अटैक का झटका पड़ जाए, एक झटका बढ़िया लग जाए तो वासना का नशा, संपत्ति का नशा, मदिरा का, शराब पीना भूल जाता है अस्पताल में लेटा लेटा। लेकिन भक्ति का नशा, अरे चाहे गले में कैंसर हो, चाहे बदन में छलनी हो जाए, पर उसका भजन का नशा, आनंद का नशा कभी नहीं उतरता। अरे करोड़ों का घाटा हो जाए, करोड़ों का घाटा। मैंने एक अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना कि बिरला परिवार के कोई बहुत बड़े सेठ थे, एक बार बगीचे में टहल रहे थे तो उनका मुनि भागा भागा आया, सेठ जी हमारी कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों का घाटा हो गया। तो सेठ जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलिए टहलते। तो मुनिम जी बोले करोड़ों का घाटा हो गया और सेठ जी के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं, कोई चिंता की लकीर नहीं। दोबारा फिर चिल्ला कर कहा सेठ जी आप समझे नहीं, हमारी कपड़े की फैक्ट्री में रात में आग लगी और करोड़ों का फैक्ट्री जल के स्वाह हो गया, आप जल्दी कुछ करो। सेठ जी बोले मुनिम जी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों हताश निराश हो रहे हैं, आइए टहलते हैं, ताजी ताजी ऑक्सीजन लेते हैं। बोले मुनिम जी बोले सेठ जी आपको चिंता नहीं है, आपको कष्ट नहीं है। बोले असली वैश्य हूं, एक पैसे का भी घाटा नहीं करता हूं मैं। मुनिम जी आपको एक बात बताऊं, जिस दिन मैं आपकी माँ के कोख से पैदा हुआ उस दिन मुझे नया वस्त्र नहीं मिला, क्योंकि हम हिंदू धर्म में बच्चा जन्म लेता तो नवीन वस्त्र शुद्धि के बाद पहनता है, उस दिन पुराने वस्त्र पहनाया, नंगा पैदा हुआ, और आज पूरे हिंदुस्तान को कपड़े बना के पहनाता हूँ फैक्ट्री में। किसने दिया, जिसने दिया उसने लिया, मेरे बाप का क्या गया। दूसरी बात, पक्का वैश्य हूँ, एक रुपये का भी घाटा नहीं करता, उधर मेरे 100 करोड़ की फैक्ट्री जल रही है और इधर मैं अपने 1,00,000 करोड़ की हार्ट को उस चिंता में डुबो के अटैक करवा दूँ और मैं ही मर जाऊँ, मैं डबल घाटा नहीं करता, एक घाटा ऑलरेडी हो गया तो दूसरा घाटा क्यों करूँ, इसलिए राम भजो यार, मौज करो। हाँ, जिसने दिया उसने लिया, मेरा बाप का क्या गया, मैं तो नंगा पैदा हुआ था। देखा आपने, करोड़ों का घाटा हो गया, पर भक्ति का नशा, राम नाम जपने का नशा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नशा जिसे चढ़ गया वो जीवन में कभी ना उतरे। हाँ, पत्नी के लिए तो हो गया ओम गोपथाय नमो, और पुरुष यदि स्वयं यदि धारणा करे कि मैं क्या जपूं जिससे कि मेरे भीतर पाप करने की कभी विचार ही ना जगे, तो बारे में स्कंद में उसके लिए भी एक नाम दिया है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्
पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। यदि उच्च स्वर से हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः, कितना भी बड़ा शराबी क्यों ना हो, जुआरी क्यों ना हो, कबाबी क्यों ना हो, यदि वो हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः 3 घंटा 35 मिनट जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर, आप जपते रहो हरे नमः हरे नमः हरे नमः। हाँ, यदि कोई विधि विधान से जपे, गुरुमुखी एक बार जरूर सुने, और इस नाम के आगे थोड़ा एक छोटा सा बीज नाम और जुड़ता है जो कि मैं अभी नहीं बोल सकता कि गुरु परंपरा से आती है ना, गुरु की आज्ञा नहीं है वो, हम यदि कोई आप टेलीफोन करते हैं तो हम निशुल्क बताते हैं, और दक्षिणा के रूप में आपसे क्या लेते हैं, 540 बार महामंत्र। प्रायः लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, आप लोगों से निवेदन है आप कॉपी पेस्ट ना करें, तो व्हाट्सएप पर आप कागज पर लिखें, किसी भी कॉपी पे रजिस्टर पे किसी भी कागज पर लिखें, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, ये एक बार हुआ, ऐसे 540 बार लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, 24 घंटे के भीतर मैं आपको संकल्प के साथ वैदिक विधि से मैं आपको वो नाम बता दूंगा, क्योंकि सबके सामने बीज नाम नहीं बताना चाहिए, ये गुरु आज्ञा है, हम लोग गुरु परंपरा से आते हैं, हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के दीक्षित है ना, तो हमारे गुरु की जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा से हम लोग केवल जो दीक्षा के रूप में उसको सुनना पसंद करता है उसी को बताते हैं, है ना। ये भगवान का, भगवान शंकर का आदेश भी है, न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम जना क्वचित, उसको बिल्कुल मत दो, उसको बिल्कुल मत दो, उसको बिल्कुल मत दो जो श्रद्धा का पात्र न हो, जो विश्वास का पात्र न हो। तो इसलिए आप लोग अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो यदि जो स्वयं नशा करे वो या तो हरय नमो या ऋषिकेशाय नमो, ऋषिकेश मानी समस्त इंद्रियों का स्वामी, तो ऋषिकेशाय नमो ऋषिकेशाय नमो ऋषिकेशाय नमो, है ना, इसका जाप कर सकते हैं। इसलिए भगवान का आनंद से नाम लीजिए और महामंत्र को बढ़ाइए, चेष्टा कीजिए 64 माला जपें एक दिन में, 1 लाख यदि आपने नाम जप लिया, मैं आपको हृदय से बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि नारायण स्वयं धर्मराज सुवर्ण का रथ लेकर खड़े होंगे स्वागत करने के लिए, नाम में इतनी शक्ति है। जय जय श्री।